हमारे युवा नेता और हमको सभी को प्रेरणा देने वाले जो भारत जोड़ो यात्रा हजारों किलोमीटर चल के उन्होंने ये दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के लोग भारत जोड़ो में कितना जोश के साथ आ सकते हैं और देश के जोड़ने में कितने लोग हमारे साथ मिल सकते हैं, इसका सबूत उन्होंने अपने 4000 किलोमीटर जो पाद यात्रा में उन्होंने दिया। ऐसे हमारे युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी जी और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अरे बड़े जा चुप बैठो ना, ऐसा पुकारने से कुछ नहीं होता, चुप बैठो था खामोश रहो, सिर्फ जिंदाबाद से अगर नारे से सुन के आते तो फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री केसी वेणुगोपाल जी और भक्त चरणदास जी, तारिक अनवर जी, नासिर हुसैन जी और अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, और शकील अमल खान जो सीएलपी के लीडर हैं, नौजवान, उन सभी को और इस मंच पर बैठे हुए सभी सीनियर लीडर्स, कांग्रेस पार्टी के मुखिया, पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पर जमा हुए, हमारे युवा मित्र और सभी नेतागण और हमारे माध्यम के मेरे दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस ऑफिस है ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आज़ादी के लिए लड़ा, और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑल पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, सब सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा, और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा, हर एक पार्टी के नेता को बुला बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता, और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए
मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए। चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है, और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, सबको एक करना होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, उसको हम आगे लेके जाना है। इतना कहते हुए मेरे चार शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।